हिंदी का आपने सेकंड चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है ना, पीडीएफ से लिखने का, और बुक भी आपके पास सबके पास आ गई है, यानी बुक में से हमको लेसन पढ़ना है, बुक वर्क भी कंप्लीट करना है सारा, और फेयर वर्क भी कंप्लीट करना है ना। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का थर्ड चैप्टर, किसका, जिसका नाम है गोरैया और उसके बच्चे। एक गोरैया है और दो उसके बच्चे हैं। तो इसके पहले हम थोड़ी सी मात्रा देखेंगे। पहले हमने अ आ ई ई ये दो चार मात्रा हमने पहले पढ़ ली थी ना, अब हम पढ़ेंगे उ। एक तो छोटे उ की मात्रा और बड़े उ की मात्रा। ओके, ये छोटे उ की मात्रा जहाँ भी रहती है उसको हम ऐसे बनाते हैं, और बड़े उ की मात्रा बनेगी तो ये इस तरीके से बनाइए, है ना। तो आपके इसी पार्ट में जो जो भी शब्द है जिनके अंदर छोटे उ की मात्रा और बड़े उ की मात्रा आ गई है, वो मैंने पहले से यहाँ लिख दिए हैं। तो आप जब भी बुक पढ़ने के लिए बैठे मेरे साथ में वीडियो देखते हुए या फिर बाद में, तो आपको भी ये वर्ड खुद से पढ़ना है, बहुत अच्छे से इन शब्दों को पढ़ते हुए जाना है ना। और अब आपको पढ़ना आ गया, ई वाले भी आ गए, बड़ी ई वाले भी आ गए। अब आपको क्या सीखेंगे, बड़े उ और छोटे उ की मात्रा। जैसे कि हमारे इस पाठ में आएगा लिखा हुआ दुख, तो दुख कैसे बना, धन्यवाद का धन्यवाद में छोटे उ की मात्रा प्लस ख, तो द में उ की मात्रा दु, और ये हो गया ख दुख। फिर हुए, तो हुए के लिए ह हल्का प्लस छोटे उ की मात्रा, और ये ए, तो ये हो गया हुए। ऐसा कैसा हु आ भी आ जाएगा हु आ। फिर ये मुंह, मुंह के लिए क्या लिखेंगे, माँ, माँ में छोटे उ की मात्रा मुंह, और ये चंद्र बिंदु, और ये हो तो मुंह, सबका मुंह होता है ना। कुत्ते, तो कुत्ता कैसे लिखते हैं, का में छोटे उ की मात्रा, फिर ते, ये आपको ए वाली मात्रा आप अगले चैप्टर के साथ सिखाएंगे, है ना। तो ये का में उ की मात्रा कु, और ये ते कुत्ते। फिर ये तुम माने, तो तुमने के लिए का में छोटे उ की मात्रा तू, मा ने, तो ये तू माने हो जाएगा। फिर ये खुश, खुश के लिए क्या आएगा, ख, ये दुख का ये खुश हो गया, ख, ख में छोटे उ की मात्रा प्लस श, तो ख में छोटे उ की मात्रा कु, और ये हो जाएगा श, तो ये हो गया कुश। फिर आकर है बहुत, तो बहुत में ब ऐसा कैसे आएगा, मात्रा कहाँ लग रही है, ह पे लग रही है बहुत, तो ह पे मात्रा लगाएंगे हु, ह में छोटे उ की मात्रा, और ये तो ये ब, ह में छोटी उ की मात्रा हु, तो ये बन जाएगा बहुत। फिर ये पूछ, तो पूछ के लिए प, प में बड़े उ की मात्रा प्लस छ छाटेगा, तो ये बन जाएगा कु छ। फिर है चुन चुन, तो चुन चुन के लिए क्या, छ, चंद्र बिंदु, और ये उ की मात्रा, इस तरीके से क्या बनेगा, चुन, और फिर चुन, यहाँ पे दो बार दे रखा है, चंद्र छोड़े उ की मात्रा चुन चुन। फिर है चीकू, तो चीकू के लिए तो चार में क्या लगा रखी है, पहले बड़ी ई की मात्रा, पहले सीख लिया है ना आपने बड़ी ई की मात्रा, वही है। फिर का और का में बड़े उ की मात्रा, ये क्या हो जाएगा, चीकू। फिर ये आपका दू सर है, तो द, द में बड़े उ की मात्रा दू, दू स, और ये फिर दू सर है। इस तरीके से आपके छोटे उ के और बड़े उ के जो शब्द है वो बनेंगे, है ना। अब हम लेसन स्टार्ट करेंगे। आपका लेसन स्टार्ट होता है गोरैया के बच्चे, है ना, गोरैया के बच्चे। इसमें से जो जो भी नए शब्द हैं जो आप पहली बार पढ़ेंगे वो मैंने लिख दिए, जिनको हम शब्दार्थ भी कहते हैं ना, वो हम पढ़ते जाएंगे साथ में, गोरैया और उसके बच्चे। चलो, चीकू के घर में गोरैया ने अपना घोंसला बनाया था। किसके घर में, चीकू, चीकू एक बॉय का नाम है। ओके, जैसे आपका भी कोई निकनेम होता है ना घर पे, वैसा उसका नाम था चीकू। चीकू के घर में गोरैया ने अपना घोंसला बनाया। गोरैया मतलब क्या होती है, एक तरीके की चिड़िया ही होती है, और घोंसला, घोंसला मतलब चिड़िया का घर। देखा है आपने आपके घर में भी कभी कभी ऐसे विंडो में या पेड़ों पे, पेड़ पे ऐसे बना रहते ना चिड़िया। घोंसले में उसके दो बच्चे थे, घोंसला बनाते तो क्या रहता है, छोटे छोटे बच्चे रहते, तो उसके कितने बच्चे थे, दो बच्चे। गोरैया चोंच में दाना लाती और
बच्चों को खिलाती थी, वो अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाती है, अपनी मम्मा तो अपने को टिफिन दे देती है या थाली में दे देती है, अब गोरैया जो रहती है वो भी तो उन बच्चों की माँ है, तो वो खाना कैसे खिलाएगी, अपनी चोंच में भर के, मतलब मुंह में ही दाना लेके आती थी भर के और बच्चों के मुंह में डाल देती थी। बच्चे ची ची करते हुए मुंह खोल देते और दाना खा लेते, बच्चे से कहते ची 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 करके उनका मुंह खुल जाता और फिर वो दाना मुंह में चला जाता और वो खा लेते थे। चीकू का जी चाहा कि वह बच्चों को पाले, और चीकू ने जब देखा कि हाँ यार कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मैं तो इनको पालूंगा। एक दिन जब गोरैया दाना लेने बाहर गई तो उसने दोनों बच्चों को घोंसले से उठा लिया। उसने क्या करा कि वो देखा उसका टाइम पीरियड गोरैया किस टाइम जाती है, तो गोरैया जैसे ही खाना लेने गई चीकू ने क्या करा ऊपर अपने घोंसले में से उठा के दोनों बच्चे घर में ले आए। गोरैया लौटी तो घोंसले में बच्चे नहीं थे। अब गोरैया आई तो उसने देखा घोंसले था बच्चे तो है ही नहीं, वह रोने लगी। रोते रोते वह कुत्ते के पास गई और बोली छत पर मेरा घोंसला है, घोंसले में मेरे दो बच्चे थे, बच्चे चीची करते थे, अब वे वहां नहीं है, क्या तुमने उन्हें देखा? किससे बोल रही है? कुत्ते से। ये कुत्ता दिखा उसको, अब अपना भी कोई बच्चा घूम गया या फिर अपने घर में कुत्ते अपन आस पास वालों को नहीं पूछते क्या कि क्या आपने यहाँ पे मेरा बच्चा क्या खेल रहा है? मम्मा पूछते ना मेरा बेटा आपके यहाँ खेल रहा है, ऐसे वो बोल रहे कहा गई कुत्ता दिख गया। कुत्ते को पूछा क्या आपने मेरे दो बच्चों को देखा है क्या? वो छत पर मेरा घोंसला है, उसमें रहते थे दो बच्चे थे और वो चीची करते थे, अब वे वहां नहीं है। कुत्ता बोला मैंने तो नहीं देखा, बिल्ली से पूछ लो। कुत्ता ने बोला मैंने तो नहीं पूछा, वो बिल्ली है उससे पूछ लो, है ना। फिर गोरैया बिल्ली के पास गई और फिर वही बोली मौसी, बिल्ली को हम क्या बोलते हैं, बिल्ली मौसी बोलते हैं ना, तो वो बोली मौसी छत पर मेरा घोंसला है, घोंसले में दो बच्चे थे, बच्चे चीची करते थे, अब वे वहां नहीं है, क्या तुमने उन्हें देखा है? वापस सारी कहानी उसने क्या बताई, बिल्ली को भी बताई। तो बिल्ली बोली मैंने तो नहीं देखा, नहीं देखा मैंने तो। फिर अम्मा जी से पूछ लो, मतलब कि जिसका घर था ना चीकू का घर, वहीं पे वो बिल्ली बोल रही है कि अम्मा जी से पूछ लो मैंने तो नहीं देखा है। फिर बिल्ली अब गोरैया चीकू की अम्मा के पास गई, किसके पास गए? चीकू की अम्मा के पास। वह छू छू करके उनके सामने बैठ गई। आपके इसमें फोटो में दिख रहा है जैसे ये चीकू है, ये चीकू की अम्मा है, ये आपकी चिड़िया है, ये दो बच्चे है, ऐसा है ना। तो चीकू की अम्मा के पास गई, वह छूछू करके उनके सामने बैठ गई और बोली छत पर मेरा घोंसला है, घोंसले में मेरे दो बच्चे थे, बच्चे ची ची करते थे, अब वे वहां नहीं है। यह कहकर गोरैया रोने लगी। फिर उसकी मम्मी के सामने रो भी दिया, मेरे बच्चे नहीं है, वो तो कितने प्यारे बच्चे थे। चीकू पास ही खड़ा था, चीकू उसकी मम्मा के पास खड़ा था, जैसे यहाँ पे खड़ा है ना वैसे। गोरैया को रोते देखकर उसे बहुत दुख हुआ, मतलब गोरैया जैसे रोने लगी तो चीकू को लगा अरे यार मेरे वजह से कितना रो रही है। उसने कहा रो मत, तुम्हारे बच्चे मेरे पास है। चीकू ने अपनी सही बात बता दी, वो उठा के लिए आया था। वह दौड़कर गया और बच्चों को ले आया, गया दौड़ लगा के उसने पिंजरे में कहीं पे भी रखा था वहां से बच्चा उठा के ले आया। गोरैया और उसके बच्चे एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। गोरैया भी रोने लगी थी तो वो खुश हो गई एकदम, और बच्चे भी खुश हो गए क्योंकि उनको मम्मा दिख गई थी। वे चींची करते हुए उड़ गए और तीनों के तीनों चींची करके और उड़ गए। फिर अम्मा ने चीकू को समझाया, किसने समझाया? अम्मा ने, बेटा पक्षी भी हमारी तरह बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, जैसे अपनी मम्मा बच्चे हमको प्यार करती है ना, वैसे गोरैया जो रहती है वो भी अपनों को बहुत बच्चों को बहुत प्यार करती है। हमें पक्षियों को सताना नहीं चाहिए, इसलिए हमको पक्षियों को कभी भी सताना नहीं चाहिए। हम सोचते हैं कि घर में लाके पिंजरे में पैक कर दो, लेकिन वो हमारे साथ पैक थोड़ी ना, कुछ थोड़ी ना रहेंगे क्या? हमको भी ऐसे कोई ले जाके और कहीं पे एक रूम में पैक कर दे, बोले खाना दे दे, खेलने को दे दिए, और वहां अगर अपनी मम्मा नहीं हो तो क्या हमको अच्छा लगेगा? नहीं लगता ना। वैसे हमको पक्षी के साथ भी नहीं करना चाहिए, हम पक्षी भी कुछ थोड़ी ना लेता है क्या, हमको उनको सताना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे अपने पास क्या क्या है शब्द आते हैं, अगर नए देखे तो देखो घोंसले देखा तो चिड़िया का घर, जी चाहा, जी चाह मतलब कि उसका मन हुआ। फिर है छत, छत मतलब होती है घर की छाजन या पैटर्न, सबके घर में भी छत है ना। फिर है सताना, सताना सताना का मतलब होता है तकलीफ देना। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, आपने अच्छे से अगर पढ़ी होगी स्टोरी गोरैया और उसके बच्चों की तो आपको भी आ जाएंगे, मेरे साथ साथ में आंसर दीजिए। सबसे पहले चीकू ने घोंसले से बच्चों को क्यों उठाया? क्योंकि उसका मन हुआ कि वह कितने प्यारे बच्चे हैं, मैं उठा लूं इनको। अम्मा ने चीकू को क्या समझाया लास्ट में?
कि पक्षी भी हमारी तरह बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमें उनको सताना नहीं चाहिए। चलो अब मेरे को बताना, गोरैया का घोंसला कहाँ पर था? पेड़ पर, छत पर या कमरे में? कहाँ पर था? छत पर। गोरैया के बच्चे क्या करते थे? चींची, चूंचू या चाचा? कैसे करते थे? चींची। उसने तीन बार क्या बोला है? मेरे बच्चे थे, वह घर पर मेरा घोंसला है, मेरे दो बच्चे हैं, वह चींची करते हैं। बार बार क्या बोला है? चींची करते हैं। तो क्या करेंगे हम? चींची। गोरैया को रोते देखकर चीकू को क्या हुआ? गुस्सा आया, खुशी हुई या दुख हुआ? क्या हुआ था उसको? दुख हुआ था। चलो अब आपका फिल इन द ब्लैंक है, रिक्त स्थान वो पढ़ेंगे ना, तो उनके भी आंसर आप बताना। चीकू के घर में खाली स्थान है, घोंसला बनाया था। किसने घोंसला बनाया? गोरैया या कौवा? क्या आएगा? गोरैया। फिर एक घोंसले में उसके बच्चे थे। कितने बच्चे थे? तीन या दो? कितने थे? दो बच्चे थे। गोरैया के पास गई, कौन गई गोरैया के पास? बिल्ली या बंदर? गोरैया किसके पास गई थी, बिल्ली के या बंदर के? बिल्ली के पास। फिर ये किसने किससे कहा? चलो बताए, बिल्ली से पूछ लो, बिल्ली से पूछ लो। ये किसने बोला था? किसने बोला था बिल्ली से पूछने को? कुत्ते ने। किसको बोला था? गोरैया को। फिर ये अम्मा जी से पूछ लो, अम्मा जी से पूछ लो, ये बात किसने बोली थी? बिल्ली ने। किसको बोला था? बिल्ली ने किसको बोला था? गोरैया को। हमें पक्षियों को सताना नहीं चाहिए, ये बात किसने बोली? अम्मा ने। किसको बोली? चीकू को। आया आपको स्टोरी समझ में? गोरैया और चीकू की, गोरैया चीकू दो बच्चे, तो आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी लगी है ना। चलो पीडीएफ आएगा सारा क्वेश्चन आंसर, इसको कंप्लीट करना। थैंक यू।